हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके CGPSC SI जितने भी आपके छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम आने वाले, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे हुए, यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन मैं तैयार कर रही हूँ, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे होंगे तो यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन यहाँ पे तैयार की हूँ, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे बेस्ट होगा। तो यहाँ मैं सभी क्वेश्चन इंक्लूड किए हूँ, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का दिला रहे होंगे। सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे GK पॉलिटी के क्वेश्चन, इन्वायरमेंट, सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये हमारा पहला पार्ट है, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो रणजीत सिंह संबंध किस मिसल से संबंधित है? तो आपके अहलूवालिया, डहलेवालिया, या कन्हैया, या शुकर चकिया से। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रणजीत सिंह का जो संबंध है किस मिसल से संबंधित था, तो इसका शुकर चकिया मिसल से संबंधित है आपके रणजीत सिंह। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो आपके VP मेनन को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या सी है कृष्ण शाही को, या डी है सी राजगोपालाचारी को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनको राष्ट्रीय के अंतरिम सरकार में इनको रियासतों का विभाग दिया गया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों को वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सी गोपाल कृष्ण गोखले ने, या डी है विपिन चंद्र पाल ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय। इन्होंने शिक्षित भारतीयों को वार्षिक राष्ट्रीय मेला इन्होंने कहा था कांग्रेस सम्मेलन में। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से इन्होंने प्रारंभ की थी? तो साबरमती, पवनार, सेवाग्राम, या रामनंदिया से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, साबरमती, याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से इन्होंने प्रारंभ किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साबरमती, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको बार बार अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम ने इन्हें स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो जैतपुर, संबलपुर, झांसी, या सतारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी सतारा, याद रखी जाती है। डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत, जो कि व्यवगत सिद्धांत अंतर्गत इस राज्य को विलय किया गया था, प्रथम राज्य आपका कौन सा था? तो सतारा आंसर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सतारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी शामिल है? तो विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, नेता प्रतिपक्ष, या डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, या सी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या डी है गृह मंत्री, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन से कथन सही यहाँ पे पूछा गया है? तो राज्य के मुख्य जो चुनाव अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो जो स्टेट में राज्यपाल होते हैं, तो राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति स्टेट के राज्यपाल करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। तो इसका जो थर्ड कथन है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो संबोधित यहाँ पे जो कि स्वस्थ लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा, यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति किसमें नहीं होती होती, या किसमें शक्ति या पावर होती है? तो आपके वित्त मंत्री में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, या डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति, याद रखिएगा। तो नियंत्रक और महा जो लेखा परीक्षक की जो छुट्टी को मंजूर कौन जारी करता है, इनमें किसमें शक्ति जो कि निहित होती है, और यहाँ का जो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा राष्ट्रपति, इनमें शक्ति निहित होती है। तो इनके द्वारा उनकी छुट्टी देना है या नहीं देना है, जो राष्ट्रपति इनका डिसाइड करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए, सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद क में उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन और आदर शब्द किससे संबंधित है? यहाँ आपके संविधान से संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368
368-2 के तहत यहाँ पे पुरंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा यहाँ पे अनुसमर्थित किया गया था। इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। तृतीय संविधान संशोधन 1974 आपके 54 के तहत अनुसमर्थित किया गया था। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो अपीलीय क्षेत्र अधिकार, सलाहकार क्षेत्र अधिकार, सी है संवैधानिक क्षेत्र अधिकार, या डी है आपका मूल क्षेत्र अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मूल क्षेत्र अधिकार। तो इसमें आपके तीन केंद्र और जो राज्य के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति आपके किस अधिकार के यहाँ पे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपके मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक जो विकास दर है या IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर माना गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो 7.7%, 8.7% या 9.5% या डी है 11.5%। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 11.5%। यह आपका जो IMF जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से इनको जानते हैं, तो उनकी रिपोर्ट के अनुसार अनुमान के हिसाब से आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार जो वित्त वर्ष 2022 है इसके लिए जो वास्तविक विकास दर IMF द्वारा आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर जो अनुमान लगाया है 11.5% आधार पर इसको नापा गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, डाटा को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट में कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए डाटा को अच्छे से याद कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यान्ह मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1991 में, 1993 में, 1995 में या 2000 में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1995, 1995 में जो आपका मध्यान्ह मिड डे भोजन है इस योजना को जो कि 1995 में शुरू किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन 1995 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होती है? तो आपके मध्य महाद्वीपी में, आपके परिप्रशांत महासागरी में, या मध्य अटलांटिक में, या डी है अंतरप्लेटिक ज्वालामुखी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा परिप्रशांत महासागरी में इस ज्वालामुखी विस्फोट के जो कौन से पेटी में सर्वाधिक होता है? तो आपके आपका जो इसका बी ऑप्शन परिप्रशांत महासागरी में सर्वाधिक होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो, तो आपका ज्वालामुखी विस्फोट जो है आपके परिप्रशांत महासागरीय पेटी में सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्केट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो यूरेनियम के लिए, तांबा के लिए, जस्ता के लिए, या लौह अयस्क के लिए? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लौह अयस्क का। तो संयुक्त राज्य जो अमेरिका में मार्केट श्रेणी आपके लौह अयस्क खनिज के लिए विख्यात है। तो मार्केट श्रेणी याद रखिएगा, लौह अयस्क के लिए इस खनिज के लिए विख्यात है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर इसको रिपीट किया है, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों के कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? तो आपका कान्हर नहर, रामगंगा नहर, शारदा सहायक नहर और इंदिरा गांधी नहर। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। तो यह नहर ने जो यहाँ पे जो राजस्थान के पश्चिमी जिलों के कृषि संबंधी गतिविधियों को यहाँ पे रूपांतरित कर दिया है। तो जो सबसे ज़्यादा सिंचाई आपके इंदिरा गांधी नहर से होता है, याद रखिए, भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह जो बहुत बड़ी लंबी नहर है हमारे भारत की, तो यहाँ के जो सिंचाई जो कि इंदिरा गांधी नहर से यहाँ पे राजस्थान के पश्चिमी जिलों में अधिकतर होता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कौन से क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? पूछा गया है और नहीं, यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा ऑप्शन गलत हो जाए। तो नहीं और लास्ट को नहीं और है को खास ध्यान दीजिएगा, एग्जाम दिलाने जाते हैं। तो नील नदी की निचली घाटी, चीन के पूर्वी मैदान, या सी है जावा द्वीप, या डी है उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में आपका जो जो उत्तर पूर्वी जो संयुक्त राज्य अमेरिका जो क्षेत्र है इसमें कृषि प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है। बाकी नील नदी की निचली घाटी और चीन के जो पूर्वी मैदान हैं और जावा द्वीप, ये आपके प्रत्यक्ष रूप से कृषि से संबंधित निर्भर होते हैं। तो याद रखिए, इसका डी ऑप्शन इसका निर्भर नहीं। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जनगणना 2011 में
भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण के स्तर प्रतिशत क्या है? तो आपके जनगणना क्वेश्चन आपके दो तीन क्वेश्चन से डेफिनेटली आपके पीएससी में जो कि चार से पाँच क्वेश्चन आपके आपके जनगणना क्वेश्चन किए हैं मैंने पिछले तीन साल के प्रीवियस क्वेश्चन भी मेरे चैनल में अपलोड किया हूँ, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। तीन साल के मैंने 2020, 21 और 19 के मैंने कंप्लीट तीनों साल का क्वेश्चन अब यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। तो जो स्टूडेंट नए पीएससी की एग्ज़ाम दिलाए हूँ या पुराने भी होंगे तो वहाँ पर बहुत हेल्पफुल हो रहा, जाके देख सकते हैं। तो जनगणना 2011 के में या भारत की जो कुल जनसंख्या 121 करोड़ में यहाँ पे जो नगरी का स्तर है, नगरी कितना प्रतिशत था तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो 33.15%, बी है 32.15%, या सी है 30.15%, या डी है 31.15%। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 31.15%। यह आपके जनगणना 2011 में भारत की जो कुल जनसंख्या 121 करोड़, इसमें जो नगरी का स्तर का जो प्रतिशत है लगभग 31.15% है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डाटा को याद रखिएगा, 31.15% आपका यह नगरीकरण प्रतिशत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो 1982 में, 1986 में, 1984 में, 1980 में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अलग एग्जाम में इसे बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1984 हुई थी, तो 1984 में हुआ था, डेट को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका साइंस का क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? तो आपका जो सर्टोली कोशिकाएं हैं शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो अंडाशय में, वृक में, यकृत में या वृषण में? तो इसके सही ऑप्शन हो जाए वृषण, याद रखिए डी ऑप्शन। तो आपका जो सर्टोली कोशिकाएं हैं शरीर के आपके जो वृषण में, इस अंग में पाई जाती है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। साइंस का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या रोम में? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, याद रखिएगा, यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया है डी ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। जो यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ जो इसका यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो गठन है 1946 में इसका गठन किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। तो एग्जाम में गठन और इसको हेडक्वार्टर को डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? तो आपके आंत्र में, यकृत में, अमाशय में या अग्नाशय में? तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा अमाशय, याद रखिए। तो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है आपके शरीर के आपके अमाशय अंग में स्रावित होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो आपका जो स्कर्वी रोग है कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन आपके सी के कमी से यहाँ पे स्कर्वी रोग होता है, तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, स्कर्वी रोग आपके विटामिन सी से कमी से होने वाला रोग है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 से जो संबंधित कौन सा है? तो आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, या पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, या डी है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में यह बताया गया कि जो इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में इसका बताया गया, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा जुर्माना लगा सकता है? तो केवल केंद्रीय सूचना आयोग, केवल राज्य सूचना आयोग, या सी है केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, या डी है उच्च न्यायालय, या केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्रीय सूचना आयोग और आपके राज्य सूचना आयोग। तो सूचना अधिकार अधिनियम के धारा 20 के अंतर्गत इसमें बताया गया ही, तो आपके इसके अंतर्गत यहाँ पे केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग यहाँ पे जुर्माना लगा सकता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधित लेखाओं संबंधित जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, या उपराष्ट्रपति को, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन की जाती है? तो ऑप्शन है यहाँ पे राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, डी है अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो राज्य में जो लोक सेवा आयोग होता है इसके जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य को, स्टेट के जो राज्यपाल होते हैं, तो राज्य के आपका जो
यहाँ पे अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है लोक सेवा में जो आयोग के होते हैं, तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य के राज्यपाल इनकी नियुक्ति की जाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय जिसे DMEO कहते हैं, इसका गठन कब किया गया था, तो 18 सितंबर 2015 को, 18 सितंबर 2016 को, या 18 दिसंबर 2015 को, या डी है 18 दिसंबर 2016 को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 18 सितंबर 2015 को। तो विकास निगरानी और मूल्यांकन जो कार्यालय है इसका गठन आपका 18 सितंबर 2015 को इसको गठन या आपको इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जिसे भेल कहते हैं, भेल के महारत्न उद्यम का दर्जा कब दिया गया था, तो 2011 में, 2012 में, 2013 में, या डी है 2014 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2013 में। याद रखिए डेट को 2013 में। इस वर्ष जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल जो लिमिटेड है, भेल के नाम से इसको जाना जाता है, तो आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, इसको महारत्न का जो दर्जा आपके 2013 में इसको दिया गया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे अच्छे यहाँ पे क्वेश्चन लेकर, और मैं आऊँगा जो आपके हर एग्जाम में जो कि बेस्टफुल होगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। मैं डेली बेस पे करंट पेज भी पढ़ाता हूँ, तो आप करंट पेज भी पढ़ सकते हैं। करंट पेज आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम दिला रहे हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का, सभी एग्ज़ाम के लिए करंट पेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।